ये भेजने बेसिकली सोयाबीन से बना हुआ है। सारे हम लोग सोयाबीन को एक ऐसा इनोवेटिव टेस्ट किया जिसमें आपने नॉनवेज की टेस्ट ले सकते हो। हाँ, जो जो नॉनवेज नहीं खाते उनके लिए बेटर ऑप्शन मिल जाते हैं। टेस्ट लाइक तो ये चिकन है, बट अगर वेज ऑप्शन मिल रहा है तो वो बढ़िया है। तो मतलब चिकन से अच्छा है या ठीक है? नहीं, उससे बेटर है। बिल्कुल नॉन वेजिटेरियन, बिल्कुल लग ही नहीं रहा, ये वेज नहीं लग रहा है। जो जो भी प्रोडक्ट हम प्रोसेस करके विदाउट प्रिजर्व, हम लोग का किसी प्रोडक्ट में प्रिजर्वेटिव नहीं होता। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24, मैं हूं नूपुर सिंह और हम आए हुए हैं प्रगति मैदान में। आप देख सकते हैं यहाँ पे वेजली ने अपना स्टॉल लगा रखा है। नाम से लग रहा है कि कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और यहाँ पर इतनी भीड़ भी है, इस चीज को टेस्ट करने के लिए भी बहुत सारे लोग हैं। इनसे भी फीडबैक लेंगे कि ये चीज क्या है और वो सब भी जानते हैं। ये फूड इनोवेटिव की नई दुनिया में आपको लेके चलते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं यहाँ के जो मैनेजर है उनसे। जी सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो ये क्या है ये वेजले? ये वेजले बेसिकली सोयाबीन से बना हुआ है। सारे हम लोग सोयाबीन को एक ऐसा इनोवेटिव टेस्ट किया जिसमें आपने नॉनवेज की टेस्ट ले सकते हो। जैसे बिल्कुल आपको एक तो हेल्थ ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, हेल्दी प्रोडक्ट है, उसका साथ में आपको नॉन वेज की एक जायका आएगा। जैसे प्रोडक्ट की रेंज काफ़ी रेंज है, उसका अंदर जो मेनली है सोया सीख कबाब है, सोया सामी कबाब है और प्योर सोया से हम लोग का सारे प्रोडक्ट बनाया गया हुआ है। सोया वेज चिकन है, सोया किप्सी वेज चिकन है, प्लस लॉलीपॉप है, उस तरह के वेरियस प्रोडक्ट है। जी यहाँ पे सारी रेफ्रिजरेशन टेक्निक्स, मतलब उनको सब रेफ्रिजरेट करके यूज करते हैं ना? हाँ जी, सारे। तो मतलब लोगों के मन में डाउट होता है कि जिन चीज को हम रेफ्रिजरेट कर सकते हैं उसमें प्रिजर्वेटिव्स बहुत होते हैं जो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो उनको आप क्या समझते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो जो भी प्रोडक्ट हम प्रोसेस करके विदाउट प्रिजर्व, हम लोग का किसी प्रोडक्ट में प्रिजर्वेटिव नहीं होता। -18 डिग्री में रखोगे आप, ठीक है ना, -18 पे वो प्रोडक्ट कभी खराब नहीं होता, ठीक है। उसके नॉन फ्रोजन प्रोडक्ट भी आपने ये लगा रखे हैं, इनका क्या पीछे का मेथड? नॉन फ्रोजन प्रोडक्ट में हम लोग का सोया नूडल्स है, जैसे एक बहुत अच्छा सब्सिट्यूट है हेल्दी प्रोडक्ट के हिसाब से, और सोया वेजेट है, सोया इंडी चॉप है, सोया भेज मीट टिक्का है, बिल्कुल नॉन वेज में भी अलग रेंज है हम लोग का, काफी हेल्दी प्रोडक्ट है और फ्रोजन का तो है ही 80% फ्रोजन। मेन माइंडसेट क्या रहा था ये एस्टेब्लिश करने से? माइंडसेट बड़ी सिंपल था, माइंडसेट वही है कि हम सोसाइटी को जो नॉनवेज नहीं खा सकते उनको नॉनवेज का टेस्ट करवा। हाँ, जो जो नॉनवेज नहीं खाते उनके लिए बेटर ऑप्शन मिल जाते हैं, और जो नॉनवेज खाते हैं वो भी कोई बार क्या होता है टेस्ट के लिए नहीं छोड़ पाते, तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। टेस्ट भी मिलेगा और हेल्थ का भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है। और ये जो एक वीगन का अभियान हमारे देश में चला है, वीगन का मूवमेंट, उसकी फ्रेंडली भी ये कंपनी है जो काम कर रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग इसको टेस्ट भी कर रहे हैं, इनका भी फीडबैक अभी हम लेते हैं और जानते हैं कि इनको ये प्रोडक्ट्स कैसे लग रहे हैं। आपने ये टेस्ट किया, आपको कैसा लग रहा है वेजले का ये जो इनोवेशन है? टेस्ट लाइक तो ये चिकन है, बट अगर वेज ऑप्शन मिल रहा है तो वो बढ़िया है। तो मतलब चिकन से अच्छा है या ठीक है? नहीं, उससे बेटर है। मतलब जो नॉन वेज नहीं खाते उनको आप पक्का ये सजेस्ट करेंगे कि भाई उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है? मेरे ख्याल से ये चिकन से भी मस्त है। जी ओके, आप मतलब लेडीज है, आप कुक करती हैं, आपको कैसा लग रहा है? बिल्कुल नॉन वेजिटेरियन, बिल्कुल लग ही नहीं रहा, ये वेज नहीं लग रहा है, चिकन ही लग रहा है, जस्ट लाइक अ चिकन। देखा आपने, लोगों के रिव्यूज भी इतने अच्छे हैं और ये फूड की दुनिया में एक नया इनोवेशन है। देखिए तकनीक कहाँ से कहाँ पहुँच गई कि हम लोग वेज खाते हुए नॉन वेज का टेस्ट ले पा रहे हैं और वीगन के लिए कितना ज्यादा बेटर ऑप्शन है। वेजले का स्टॉल फिलहाल प्रगति मैदान में हर साल लगता रहता है और ये ऑनलाइन एप्लीकेशन पे भी आपको मिल जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।